हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज का विषय है योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक मंत्र से शुरू करूंगा और इस मंत्र का हमारे जीवन पर क्या असर है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। एक सौ आठ उपनिषदों में कुछ महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं, जो बहुप्रचलित उपनिषद हैं, उनमें एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद में इस मंत्र का उल्लेख आता है। इस मंत्र का अर्थ है, हे प्रकाश के सार तत्व, हे प्राण के देवता, हमें असतो मा सद्गमय, असत से सत्य की ओर लेकर चलो, झूठ से सच की ओर लेकर चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस यानी कि अंधकार, यानी कि बुराई से प्रकाश की ओर लेकर चलो। मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर लेकर चलो। ये प्रार्थना हम सूर्य देव से करते हैं। सूर्य की उपासना आदिकाल से होती चली आ रही है, आदिकाल, मध्यकाल और अब आधुनिक युग। हर एक काल में सूर्य का एक विशेष महत्व माना गया है, उसकी उपासना की गई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आदिकाल का। भगवान राम जब रावण की लंका पर आक्रमण के लिए तैयार थे, तो उनके ऋषि महर्षि अगस्त उन्हें कहते हैं कि हे राम, तुम सूर्य की आराधना करो और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा, सूर्य की उपासना करने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि सूर्य से हमें प्राण मिलता है, शक्ति मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है। और भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, सूर्य की उपासना की और लंका पर चढ़ाई की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सूर्य के विषय में, क्योंकि सूर्य का हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण असर होता है। आप कुछ पलों के लिए सोचिए, अगर सूर्य ना हो तो क्या इस प्रकृति पर कुछ संभव हो सकता है? क्या वनस्पतियां
अपना असर दिखा सकती है? क्या शरीर चल सकता है? चारों तरफ अंधकार फैल जाएगा, चारों तरफ बुराई पैर पसार लेगी। तो सूर्य का होना हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योगा में भी सूर्य का एक विशेष महत्व बताया गया है, बल्कि हठ योग की साधना जो लोग करते हैं, महर्षि स्वात्माराम ने जो स्वामी स्वात्माराम ने जो हठ योग की साधना हठ योग प्रदीपिका में बताई है, हठ योग का मतलब ही होता है सूर्य और चंद्र नाड़ी का बैलेंस, संतुलन बिटवीन टू। सूर्य का संबंध हमारे शरीर से होता है और चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है। सो मन और शरीर को जो बैलेंस कर दे वो हठ योग है। तो योगा में भी सूर्य का बड़ा विशेष महत्व है। सूर्य नमस्कार का एक अभ्यास होता है, जिसका अगर रोज अभ्यास किया जाए तो शरीर के अंदर एक ड्रामेटिक चेंज होता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार का जो असर है वो हमारे शरीर पर, वो हमारे मन पर और वो हमारे भावनाओं पर पड़ता है और इनको स्वस्थ रखता है। शरीर के अंदर कमाल का एक बायोलॉजिकल, एक केमिकल चेंजेस उस सूर्य नमस्कार से होता है। मन के अंदर एक कमाल की पॉजिटिविटी आती है। मैं आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके दिखाऊंगा, उसके एक एक आसन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, उसके फायदे के बारे में बताऊंगा। तो सूर्य नमस्कार का जब हम अभ्यास करते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला तो सूर्य नमस्कार का जब अभ्यास किया जाए तो किसी सुपरविजन में हो, किसी एक्सपर्ट से उसकी सलाह ले ली जाए। इनफैक्ट शुरुआती जो अभ्यास है वो एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए, खासतौर से बच्चों को और बीमार या बूढ़ों को। सूर्य नमस्कार के विषय में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, उनका सूर्य नमस्कार का जो असर है वो हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उन पर पड़ता है। शरीर के अंदर बेहतर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं जिससे होकर प्राण फ्लो करता है, ऊर्जा फ्लो करती है, वो जो प्राणिक अवरोध है या कह लो कि प्राणिक जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाते हैं, तो जिससे कि हमें बेहतर लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। सूर्य नमस्कार से जो सामान्यतः जो रोग होते हैं हमें, वैसे तो कहें तो ये जो सामान्य वर्ड है ना कॉमन, यही कुछ अजीब सा है, क्योंकि पहले समय में अनकॉमन हुआ करता था रोग, राइट? आज कॉमन हो गया है, कमाल की बात तो यही है। खैर, सूर्य नमस्कार के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको एक राउंड सूर्य नमस्कार का करके दिखाऊंगा और उसके बाद उसके जो पोस्चर है आप उसका उन पोस्चर्स को देखिए, पोस्चर्स मैं कैसे कर रहा हूँ, और फिर उसके बारे में थोड़ी और हम चर्चा करेंगे। आप देखिए मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे करता हूँ। तो मैं इस एंगल पर खड़ा हो रहा हूँ, आप देखिए पहली जो स्थिति है वो है ये नमस्कार मुद्रा। आप सीधे खड़े हो जाते हैं आसान एक नमस्कार मुद्रा में, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, हल्का ऊपर देखते हैं और जितना आपसे कंफर्टेबली मुड़ा जा सके उतना मुड़ते हैं। छाती पर, पेट पर कमाल का स्ट्रेच है, जो आते हैं वो स्ट्रेच हो रही है, जो लंग्स है वो स्ट्रेच हो रहे हैं, सबको स्पेस मिल रहा है, जो जकड़न है वो ख़त्म हो रही है, जो जॉइंट्स में जकड़न है, मसल्स में जो जकड़न है वो ख़त्म हो रही है। थ्री, धीरे से फिर सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाते हैं।
हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो जो बहुत ज़्यादा ना मुड़ सके, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक रखो, आप यहाँ तक रहो, आप यहाँ तक रहो। ग्रेजुअली रेगुलर प्रैक्टिस से वो चीज़ आ जाएगी, शरीर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगा। 3, 4, ब्रीद इन, दाहिना पैर पीछे, दाहिना घुटना जमीन पर, ये जो घुटना है और ये जो टोज हैं ये एक लाइन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे करें या फिर आप इसको ऐसे करें। पोस्चर का करेक्ट होना बेहद ज़रूरी होता है, तभी उसका हमारे शरीर पर एक सकारात्मक असर पड़ता है, अन्यथा नकारात्मक असर भी होता है। तो कभी कभी हम अच्छा करने को जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है अज्ञान के वश, इसीलिए सूर्य नमस्कार को सीख लेना उचित होगा। 4, 5, ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए आपको सामने वाले पैर को भी पीछे ले जाना है और हील्स को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है। पैरों को, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें, हाथ को सीधा रखें, गर्दन को बहुत ज़्यादा खींचे नहीं, स्पाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करें। ब्रीद आउट, कुछ देर यहाँ पर रुकें, खिंचाव को महसूस करें अपने काफ्स में। 6, नीज डाउन, चेस्ट डाउन। अब यहाँ पर सांस को आपने रोका हुआ है, पेट आपका ऊपर है, बटक्स आपके ऊपर हैं, घुटने नीचे हैं, पंजे नीचे हैं, चेस्ट नीचे है और चिन नीचे है। 7, भुजंग आसन, बहुत ही बढ़िया आसन है हमारे थायराइड के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, इंटेस्टाइन डाइजेशन के लिए और कमर दर्द के लिए। इसमें क्या है, कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं। आसन की जो विधि है वो ये कहती है कि आपको अपने बटक को, अपने जो बैले बटन है उसको जमीन पर रखना है और नाभि को 2 से 3 सेंटीमीटर आप ऊपर उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये 7, 8, धीरे से यहीं से आप ऊपर उठ गए। 9, लेफ्ट पैर सामने, जो पैर सामने था 4th पोजीशन में, वही पैर अब दोबारा से आपका सामने आ गया। हिप जॉइंट पर बहुत अच्छा खिंचाव है, हिप जॉइंट में सर्कुलेशन रहेगा और शरीर का भार जो है हिप जॉइंट पर बहुत रहता है, तो हिप जॉइंट का स्वस्थ रहना शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेट पर भी दबाव है, जो पेट की मांसपेशियां हैं आते हैं उनकी बेहद अच्छी मसाज हो रही है। हल्का खिंचाव थ्रॉट पर भी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं, आसन जो है वो सुखपूर्वक हो, इस प्रकार से ये आए आप। 9, 10, 11, 12, अब यहीं से ही पूर्ण चक्र करते हैं। पूर्ण चक्र में आप दोबारा से यहीं से ही 2 में जाएंगे, थ्री, फोर, लेफ्ट पैर पीछे। पहले जब आपने आधा राउंड किया, 12th पोजीशन जो आपने की उसमें आपने राइट पैर को पीछे लिया था, लेकिन इस बार आप अपना लेफ्ट पैर पीछे लेकर आ रहे हैं। 5, 6,
7, एट, नाइन, दाहिना पैर राइट लेग सामने, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, धीरे से हाथ नीचे। और जब आप सूर्य नमस्कार का एक राउंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सीधे खड़े होना है, फील करना है कि शरीर पर उसका असर क्या हुआ, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी सांस कैसे चल रही है, जो खिंचाव पेट पर, चेस्ट पर, कमर पर आया, हिप जॉइंट पर आया, पैरों में आया, टोटल क्या असर है। आप सजग होते हैं अपने प्रति और अनुभव करते हैं अपना, अपने आप से जुड़ते हैं, अपने प्रति सजग होते हैं। और अपने से जुड़ना, सजग रहना ही योग है। एक बात का और ध्यान रखना है हमें, कुछ लोग सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो अपने आप को कष्ट देते हैं, बहुत खींचते हैं। खिंचाव नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी प्रेशर नहीं होना चाहिए, शरीर पर अननेसेसरी दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो प्राण का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है। सुखम आसनम है, दुखम आसनम नहीं है। तो आसन को जितना सुख पूर्वक किया जाए, जितना धैर्य से किया जाए, उतना ही उसका लाभ होगा। तो हमने जो अभी सूर्य नमस्कार किया, सूर्य नमस्कार के बाद हमें जरूर से जरूर शवासन करना चाहिए। शवासन में आप आराम से लेट जाते हैं और जैसे आप शवासन करते हैं, जमीन पर आराम से लेट जाइए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, हाथ शरीर के बगल में रख लीजिए, आंखें बंद करके कुछ देर अपनी सांस का अवलोकन करें। आप अपनी शक्ति के अनुसार अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए सूर्य नमस्कार के एक राउंड, दो राउंड, चार राउंड, पांच राउंड, दस राउंड अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद शवासन करेंगे तो शवासन से सूर्य नमस्कार का असर और गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य नमस्कार से आप अपने शरीर के अंदर प्राण का, ऊर्जा का जागरण करते हैं, ऊर्जा को जागृत करते हैं, और शवासन से उस ऊर्जा को, उस प्राण को आप अपने पूरे शरीर में फैला देते हैं। पूरे शरीर में वो प्राण ऊर्जा जहाँ जहाँ पर उसको जाना है वहाँ वहाँ पर वो चली जाती है, प्राण शक्ति। प्राण बहुत इंटेलिजेंट है, प्राण को पता है कि उसको करना क्या है। हमें उसको मौका देना चाहिए कि वो प्राण अपने आप को हील करे, अपने आप को रिपेयर करे। शरीर के अंदर अद्भुत शक्ति विद्यमान है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, मान लो मुझे रात को सरदर्द हुआ, मैंने मेडिसिन नहीं ली, सुबह उठा तो सरदर्द नहीं था। क्या हुआ ऐसा रात को? मैंने तो कुछ नहीं किया। इसका मतलब कुछ है जो जिसने उसको ठीक किया, किसने किसको ठीक किया। बेसिकली रात भर जो प्राण है उसको फ्लो करने का, उसको सर्कुलेट होने का मौका मिला। जो एनर्जी है आपकी रिस्टोर हुई, जो एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन था वो कम हुआ, और उसने पूरी शक्ति लगा दी उस दर्द को ठीक करने के लिए।